तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस पेट्रो के स्टॉक के बारे में। कॉन्फिडेंस पेट्रो के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन गिरावट के बाद भी स्टॉक ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और अगेन हमको यहाँ पे स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। आज भी हमको यहाँ पे स्टॉक में 13.11% की यहाँ पर एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। साथ ही आज की इस तेजी के साथ हमको यहाँ पे स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को मिला है। ब्रेकआउट की बात करें तो जो ये स्टॉक है ये पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार 94.25 का जो लेवल है इसी के नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात कर रहे हैं, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और तेजी आती है तो यहाँ से भी और तेजी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 99.20 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 104 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेजी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 110 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 120 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 130 और 140 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 94 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 88 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 83 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।